मूवी की शुरुआत में हमें क्रिस्टोफर रॉबिन नाम के लड़के का रूम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसने कई सारे खिलौने, टेडी बेयर्स और सॉफ्ट टॉयस रखे होते हैं, और उसके पास एक स्टोरी बुक भी था जिसकी कहानी उसे बहुत पसंद थी। उस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो उन सबको बहुत पसंद करता था, और उसी स्टोरी में वो खुद को इमेजिन करता था कि वो भी उस स्टोरी के अंदर है। इसी के साथ हमें बुक के अंदर से पूरी स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है पू नाम के भालू से, जो सोकर उठता है और देखता है कि उसके घर में सारे हनीस खत्म हो चुके थे, इसलिए वो हनी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। पर रास्ते में उसका दोस्त ईयोर मिलता है, जो कि बहुत दुखी था। उसका रीजन ये था कि उसका पूंछ कहीं खो गया था। वही उनका दोस्त आउल आता है, फिर पू उसे बोलता है कि हमें ईयोर की पूंछ ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके बाद वो अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाते हैं। और क्रिस्टोफर रॉबिन बोलता है कि जो कोई भी ईयोर के लिए नया पूंछ ढूंढेगा उसको इनाम में हनी मिलेगा, जिसके बाद सभी एक एक करके अलग अलग चीजों से ईयोर की पूंछ को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर एंड में कैंगा उसको अपना बनाया हुआ स्कार्प देती है, जो उसके पूंछ से रिप्लेस हो जाता है। फिर हनी कैंगा को दे दिया जाता है। वही पू उदास होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हनी उसका फेवरेट था और वो सुबह से भूखा था। फिर उसे रास्ते में ईयोर मिलता है, जो बताता है कि कैंगा का दिया हुआ स्कार्प भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, जिसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर पू क्रिस्टोफर रॉबिन के घर की तरफ जाता है उससे कुछ हनी मांगने, लेकिन वो घर पर नहीं होता, पर उसने एक नोट छोड़ा था, जिसको देखकर पू को कुछ समझ नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा है, इसलिए वो आउल के घर जाता है, जहां आउल उसको पढ़ने के बाद सबको बोलता है कि बैक्सन नाम के मॉन्स्टर ने क्रिस्टोफर रॉबिन को किडनैप कर लिया है, हमें उसको बचाना पड़ेगा। फिर वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं बैक्सन को पकड़ने का। वो जंगल में हर तरफ ट्रैप लगाते हैं। वही हम देखते हैं टीगर अकेले ही बैक्सन को पकड़ने निकला था, लेकिन रास्ते में उसे ईयोर मिल जाता है, जो उसके पूंछ ना होने के कारण काफी दुखी था। पर टीगर को बस किसी तरह से बैक्सन को पकड़ना था, वो काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो ईयोर को बोलता है तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर बैक्सन को पकड़ेंगे। वो खुद अपना हुलिया बैक्सन के जैसे बना लेता है और ईयोर को सिखाता है कि जब रियल बैक्सन हमारे सामने आएगा तो तुम्हें उससे कैसे फाइट करना है, लेकिन ईयोर को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो टीगर से काफी परेशान हो जाता है और किसी तरह उससे पीछा छुड़ा लेता है। फिर हम देखते हैं पू और पिगलेट मिलके बीज के हाइप से हनी निकालना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे बीज पड़ जाते हैं, जिसके बाद रैबिट उन्हें समझाता है कि हमें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, क्रिस्टोफर रॉबिन मिलने के बाद ही तुम्हें हनी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बेचारा पू तो बहुत टाइम से भूखा था, इसलिए अब उसको हर चीज हर जगह हनी ही दिखाई देती है, और हनी के चक्कर में वो खुद अपने बनाए गड्ढे में गिर जाता है जिसमें वो बैक्सन को पकड़ने वाले थे। फिर बाकी सभी उसको ढूंढते हुए उसी गड्ढे में आ पहुंचते हैं, और वही ईयोर भी एक एंकर को अपने पूंछ से रिप्लेस करके वहां पहुंचता है, जिसके बाद रैबिट को एक आइडिया आता है। वो पू को गड्ढे से निकालने के लिए एंकर का यूज करते हैं, लेकिन उल्टा वो सभी उस गड्ढे में गिर जाते हैं, बस पिगलेट को छोड़कर। लेकिन पिगलेट थोड़ा सा बुद्धू टाइप का था, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आता है कि सबको गड्ढे से कैसे बाहर निकालना है। फिर रू बोलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन के घर में एक लंबा रस्सी है, जिसके बाद सभी पिगलेट को वो रस्सी लाने को बोलते हैं। फिर पिगलेट घने जंगल से होकर क्रिस्टोफर रॉबिन के घर की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक बलून मिलती है, पर तभी टिगर वहां पर आ जाता है, जो कि अभी तक बैक्सन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसको देखकर पिगलेट काफी डर जाता है और वापस सबके पास जाने लगता है। टिगर भी उसके पीछे जाता है और उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं टिगर हूँ, लेकिन पिगलेट तो बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो बस भागता ही रहता है। फिर वो दोनों गिरते पड़ते उसी गड्ढे में आकर गिर जाते हैं और वो बलून भी वहां से उड़कर चला जाता है। लेकिन पिगलेट और टिगर की भगदौड़ में बुक के कुछ लेटर्स भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी मदद से पू एक लैडर बना लेता है और उसी से सब चढ़कर बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बलून क्रिस्टोफर रॉबिन को उनके पास ले आता है। फिर सभी उसे बोलते हैं कि तुम बैक्सन से कैसे बचकर आए, जिस पर क्रिस्टोफर रॉबिन बोलता है कि ये बैक्सन कौन है। फिर सभी उसके नोट को दिखाते हैं, जिसको देखकर क्रिस्टोफर रॉबिन हंसते हुए सबको समझाता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुमने इसे गलत पढ़ लिया, मेरे कहने का मतलब था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस लौटूंगा। फिर सभी आउल पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। फिर रैबिट बोलता है कि इस बलून ने क्रिस्टोफर रॉबिन को हमारे पास लाया, तो इसी खुशी में हमें उसको इनाम के तौर पर हनी देना चाहिए। फिर वो हनी पॉट को बलून में बांध देते हैं और वो बलून उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसको पू देखता ही रह जाता है। फिर वो दोबारा हर जगह हनी ढूंढने लगता है, वो भूख से पागल हो चुका था, इसलिए आउल के घर पहुंचता है उससे थोड़ा हनी मांगने। पर उसके घर के बाहर देखता है कि आउल ने अपने बेल रिंग के लिए ईयर की पूंछ का यूज किया था,
वो बोलता है कि मुझे ये किसी झाड़ियों में मिला था तो मैं इसे ले आया। जिसके बाद पू से बोलता है कि ये तो ईयर की पूंछ है, हमें उसे लौटाना होगा। फिर वो ईयर के पास जाते हैं और उसका पूंछ लगा देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर क्रिस्टोफर रॉबिन पू को बोलता है कि तुमने ईयर का पूंछ वापस लाया, इसलिए इनाम के तौर पर हम तुम्हें हनी से भरा हुआ पॉट देते हैं। जिसको देखकर पू खुशी से झूम उठता है और हनी खाने के लिए पॉट के अंदर ही घुस जाता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बैक्सन नाम का क्रिएचर सच में था, जो जंगल से बाहर आता है पर उसी गड्ढे में गिर जाता है जो सभी ने उसको पकड़ने के लिए बनाया था। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।